हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है और ये सेट नंबर 132 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 131 सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बुक है द प्लेटफॉर्म का, इसी बुक का ये जो चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, इसी चैप्टर को डिस्कस किया जा रहा है और ये पार्ट 12 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 11 पार्ट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से है, और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% यहीं से हर एक एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 275 तक प्रश्न कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये मेटल और नॉन मेटल का ये 12 नंबर का यानी कि 12वां पार्ट रहने वाला है। इसके पहले मैंने इस पे 11 पार्ट दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। कच्चा लोहे का रंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काला, यानी कि जो कच्चा लोहा जो होता है वो काले रंग का होता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो कच्चा लोहा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कच्चा लोहा जो होता है इसको पिग आयरन कहते हैं, यानी कि पिग आयरन को कच्चा लोहा कहा जाता है। और इसमें फ्रेंड्स कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो 2 से 3.75% होता है, यानी कि जो पिग आयरन होता है यानी कि जो कच्चा लोहा होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2 से 3.75% होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो फ्रेंड्स, यह एक कठोर और भंगुर पदार्थ है। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो यह ना तो आघात वर्धनीय और ना ही तन्य होती है। कौन? तो कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। ढलवा लोहे का गुण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यंत भंगुर होता है ढलवा लोहा। अब आइए फ्रेंड्स, जो ढलवा लोहा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो कितना होता है, और ये पूछा जाता है प्रश्न की जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है 1.7 से 4.5% तक होता है। किसमें? तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा। इसका अगला पॉइंट क्या है? तो यह लोहे कार्बन और यानी कि लोहा कार्बन और सिलिकॉन का मिश्र धातु होता है, यानी कि जो ढलवा लोहा होता है उसमें लोहा भी होता है, कार्बन भी होता है और सिलिकॉन भी होता है, यानी कि इन तीनों का ये मिश्रण होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला इसका पॉइंट क्या है? तो यह कठोर और भंगुर होता है, यानी कि जो ढलवा लोहा होता है ये कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? तो ये है।
इसमें कार्बन की मात्रा, ये पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। पीटवा लोहा की तन्यता शक्ति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 250 से 500 एन पर एमएम स्क्वायर होता है। अब आइए फ्रेंड्स, पीटवा लोहा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो पीटवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की जो मात्रा जो होती है वो 0.02 से 0.03% तक होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, एक तो पिग आयरन में कार्बन की मात्रा, दूसरा ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा, तीसरा पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा, तीनों को आप तीनों जो है वो आपको याद रहना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279। आघात वर्ध्य ढलवा लोहे को किसके लिए वरीयता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइप फिटिंग जैसे कि एल्बो, टी, यूनियन वगैरह के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। मृत कार्बन स्टील में कार्बन के कितने प्रतिशत पर मजबूती अधिकतम होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.15% पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। निम्न में से कौन सा लौह धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन है वो क्या है? तो लौह धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282। पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन में कार्बन अवयव के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि जो पिटवा लोहा जो होता है, यानी कि जो रॉट आयरन होता है, इसमें कार्बन का प्रतिशत आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें कितना होता है? तो इसमें होता है 0.02 से 0.03% तक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। फोर्स्ट नरम इस्पात से बनी निहाई को निम्नलिखित में से किससे आच्छादित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ढलवा इस्पात से। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 284। ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक कौन सा है? और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी, यानी कि जो चांदी है वो ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285। लोहे का घनत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7.8 ग्राम पर सीसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286। पिटवा लोहे का शुद्धता स्तर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 99.9% होता है। और जो पिटवा लोहा होता है वो, यानी कि जो रॉट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध किस्म का लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287। ऊष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक
किस पदार्थ में है उसे चुनें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनवार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। दिए विकल्प में सबसे भारी पदार्थ को पहचानें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेड। और फ्रेंड्स अब आइए लेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो लेड होता है इसका सिंबल क्या होता है, तो पीबी होता है इसका सिंबल, यानी कि इसको पीबी से दर्शाते हैं और इसे सीसा भी कहते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 82 होता है। और फ्रेंड्स इसका अयस्क कौन सा होता है सीसे का, यानी कि जो लेड है इसका अयस्क कौन सा होता है, तो गैलेना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289। सिनेबार, सिनेबार किसका एक अयस्क या खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मरकरी का। और फ्रेंड्स जो मरकरी होता है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसे HG से लिखते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, तो वो 80 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290। फिरोजा किसका एक अयस्क या खनिज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर का एक अयस्क या खनिज है। कौन, तो फिरोजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क या खनिज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयरन का। और आयरन को हम Fe से लिखते हैं। और इसका अयस्क और कौन कौन सा होता है आयरन का, तो एक होता है हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292। कार्नोटाइट किसका एक अयस्क या खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूरेनियम का। और फ्रेंड्स जो यूरेनियम जो होता है यूरेनियम, इसको हम यू से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल यू होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है यूरेनियम का, वो होता है 92 होता है। तो आई होप ये भी आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 293। बॉक्साइट किसका एक अयस्क या खनिज है। और ये वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम का। और फ्रेंड्स जो एल्युमिनियम जो होता है इसको Al से लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294। क्रोमाइट किसका एक अयस्क या खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रोमियम का। जो क्रोमाइट जो है वो क्रोमियम का अयस्क या खनिज है। और फ्रेंड्स जो क्रोमियम जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो होता है Cr होता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, तो वो होता है 24 होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295। यूरेनी नाइट किसका एक अयस्क या खनिज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूरेनियम का। और फ्रेंड्स जो यूरेनियम जो होता है इसको यू से लिखते हैं, यानी कि इसका सिंबल यू होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296।
लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है, यानी कि जो लेड सल्फाइड जो होता है इसका साधारण नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैलेना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297। कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 से 4% होती है, और ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299। एल्युमिनियम का अयस्क निम्न में से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300। गन मेटल में तांबा, टिन और जिंक का कंपोजिशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 88, 10 व 2%। अब आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गन मेटल होता है इसमें जो तांबा जो होता है वो 86% होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 88 दिया गया है, इसीलिए 88 होगा। तो इसमें जो तांबा होता है वो 86% होता है, जो टिन जो होता है वो 9.5% होता है, लगभग 10% के बराबर। उसका फ्रेंड्स जो जिंक जो होता है इसमें, जिंक वो 2% होता है। और इसमें एक और होता है, एक होता है सीसा, जो कि फ्रेंड्स 2.5% होता है सीसा, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन फिर फ्रेंड्स इसमें तांबा जो होता है वो 86%, टिन जो होता है वो 9.5% होता है, जिंक जो होता है वो 2% होता है, किसमें? गन मेटल में। और एक आता है सीसा, इसमें जो होता है वो 2.5% होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए एक और पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं, गन मेटल के बारे में। तो भारी मशीनरी भागों को, यानी कि जो भारी जो मशीनरी जो भाग होता है उसको बनाने के लिए हम गन मेटल का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और ये 5 से 6 प्रश्न तो कम से कम हो, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, और 100% फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।